एम्बुलेंस यहाँ से निकल रही है, तमाम लोग आप देख रहे हैं एम्बुलेंस है जिस शाहीन बाग में लगातार गोदी मीडिया ये सवाल उठाया जा रहा है कि शाहीन बाग के इस रोड से एम्बुलेंस और यातायात की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त की गई। अभी आपने देखा किस तरह से एम्बुलेंस यहाँ से निकली, एक बड़ा सवाल है, क्या कहेंगे साहब? देखिए हमेशा यही शाहीन बाग के प्रोटेस्ट पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप के नहीं, यही प्रेशर बनाया जा रहा है कि यहाँ से लोगों को निकलने के लिए, एम्बुलेंस को जाने के लिए, स्कूल के बच्चों को जाने के लिए और भी दूसरी ज़रूरतों के लिए इस रास्ते की बहुत बड़ी परेशानी दिखाई जा रही है। जबकि सच्चाई अभी आपके कैमरे ने दिखाई होगी कि एम्बुलेंस के लिए सारे लोगों ने, वॉलंटियर्स ने और यहाँ की पब्लिक ने पूरा रास्ता खाली किया। कोई किसी को इस तरीके की ज़रूरतों की, जो मेन ज़रूरतें हैं उसके लिए कोई परेशानी आज तक नहीं हुई है। पूरे 57 डेज हो चुके हैं, किसी एम्बुलेंस वाले ने या किसी स्कूल की बस वाले ने या कैब वाले ने कोई कंप्लेंट अभी तक नहीं की है। छोटी मोटी परेशानी आ रही है वो एक अलग मैटर है, तो उसमें दिल्ली पुलिस का और यूपी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। अगर यूपी गवर्नमेंट चाहे तो आप यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर आप मामाया फ्लाई ओवर के पास से ट्रैफिक खोल के ट्रैफिक को डाइवर्ट करके निकाल सकते हैं, और दिल्ली पुलिस अगर ये चाहे तो उसको कोऑपरेट करके इस ट्रैफिक को सुचारू रूप से चला सकते हैं। यहाँ पे सड़कों की कमी नहीं है, यहाँ पे सारे रोड माशाल्लाह बहुत चौड़े हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन वो मेहनत नहीं, आपने पिछला एक महीना पूरा इस शाहीन बाग का फ़ायदा उठाने के लिए इस्तेमाल किया, इलेक्शन में इसका इस्तेमाल किया गया, इलेक्शन में हर पॉलिटिकल पार्टी ने इसका इस्तेमाल किया। मैं ही नहीं कह रहा किसी एक नाम लेके, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने शाहीन बाग का इस्तेमाल किया और उसके अंदर आपकी रूलिंग पार्टी बीजेपी ने तो बहुत ज़बरदस्त बयानबाजी और गलत फहमी लोगों के दिल में पैदा की कि लोगों के एक भय का माहौल पैदा हो गया। शाहीन बाग में गोलियाँ चलने लगी, आपके वरिष्ठ नेता उनके गलत बयानी के गोली मारे सालों को करंट लगेगा, ऐसे कई डायलॉग आपने इस शाहीन बाग को लेके इस्तेमाल किए और इसका फायदा लेना चाहा। जब आपको फायदा नहीं मिला तब अब ये शाहीन बाग आपकी आंखों में अखरने लगा। अब आप अपना एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया के थ्रू कर रहे हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कर रहे हो, शाहीन बाग पे दबाव बनाया जा रहा है कि ये प्रोटेस्ट हटा लें। क्यों? कि अब आपको लगने लगा है कि इस प्रोटेस्ट का आगे भी असर पड़ेगा, और भी कई स्टेटों में इलेक्शन का दौर शुरू होने वाला है, तो आपको लगने लगा जो हमने प्रयोग और संयोग की बात की थी तो वो प्रयोग हमारे ही ऊपर संयोग से गलत साबित हो गया, तो वो अब ये नहीं चाहते कि ये प्रयोग दोबारा कहीं करा जाए, इसलिए वो इस शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को सुप्रीम कोर्ट या दूसरे और किसी भी चीज़ से जो उनके पास पॉलिटिकल पावर है, होम मिनिस्ट्री के पास जो पावर है, उस पावर का इस्तेमाल करके आप सुप्रीम कोर्ट में पिछले वीक में जब ये एक तारीख डली थी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से दिल्ली वो भारत सरकार से कहा था कि आप शाहीन बाग जाके मेडिएशन करें और यहाँ की जनता से संवाद कायम करें, लेकिन वहाँ से कोई पहल नहीं हुई, बल्कि शाहीन बाग के लोगों ने ही खुद पहल की और माननीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की कोशिश हमारी 90 साल की और एजिड दादियों ने की, लेकिन उनको इसकी भी शर्म नहीं आई कि इतनी एजिड औरत कोई अगर पहल कर रही है तो वो देश के हित में करेगी या देश के आतंकवाद के हित में करेगी। देश के हित में हमारी इन दादियों ने कोशिश की, लेकिन अमित शाह जी ने उनको कोई टाइम नहीं दिया। दिल्ली पुलिस ने उनको यहाँ से 100 मीटर के थोड़ा सा आगे बढ़ने पर ही रोक दिया। खैर, लॉ एंड ऑर्डर की एक समस्या होती है, एक प्रोटोकॉल भी होता है, हर चीज़ को फॉलो करना होता है, लेकिन इसका इंतजाम भी सरकार को ही करना चाहिए था। आज जो एक लोग आए यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी नियुक्त करी थी, अगर वो कोई बात आपके सामने रखते हैं कि आप लोग मानने के लिए तैयार हो गए? देखिए, वो लोग आए हैं हमारे यहाँ तो सबका मोस्ट वेलकम है, हमारे यहाँ पर सबका मोस्ट वेलकम है। हम लोग चाहते हैं कि हमसे कोई बात करने आए, हमारी बात को आगे पहुँचाए। अब तक तो हमारी बात को जैसे तैसे मीडिया आगे पहुँचा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हम फैसले का स्वागत करते हैं और उन लोगों के आने का बहुत ज़्यादा स्वागत करते हैं जिन्होंने इसमें पहल की। और भी कोई लोग आके इसमें अगर पहल करेंगे तो हम उसका भी स्वागत करेंगे। अब बात आ जाती है अपने अधिकार की।
स्वागत तो करेंगे। उन्होंने कोई मांग रखी आपके सामने, कहा कि इस धरने को शिफ्ट कर लीजिए, तो क्या करोगे आप? देखिए मांग तो हमारी है, मांग हमारी है कि आप इस कानून को वापस लीजिए। वो कानून के लिए नहीं, सुनिए सुनिए मैं बता रहा हूँ, कानून को आप वापस लीजिए। अगर उन्होंने ये मांग की कि आप इस धरने को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर लें, तो उनकी उस बात पे भी यहाँ के लोग गौर करेंगे कि भाई क्यों कर लें। उनसे हम सवाल तो कर सकते हैं कि हम भाई ये बताइए कि इस देश में क्या ये पहला आंदोलन हो रहा है? इससे भी ज़्यादा बहुत बहुत आंदोलन हुए और बहुत हिंसक आंदोलन हुए हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा देश की संपत्ति को नुकसान पहुँचा है। इस शाहीन बाग से तो किसी भी देश की कोई संपत्ति को नुकसान ही नहीं पहुँचा है, बल्कि शाहीन बाग वालों ने तो खुद अपनी संपत्ति को ब्लॉक करके अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले फ्यूचर में उन्हें अपने बच्चों के लिए सोचना है। तो मैंने आपसे पहले कहा कि इस शाहीन बाग का पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रहा है, शाहीन बाग की जनता का एक मजाक बनाया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान की जनता का मजाक बना रहे हैं आप। आप ये क्यों नहीं बात करते कि जिस मुद्दे पे ये देश की जनता परेशान है, पूरे हिंदुस्तान की जनता परेशान है, शाहीन बाग की नहीं, आप उस मुद्दे पे बात क्यों नहीं करते? एक सवाल का जवाब जी बोलिए। जो संजय हेगड़े साहब लगातार एनआरसी सीए के खिलाफ में जगह जगह प्रदर्शन भी कर रहे थे और जगह जगह बात भी रख रहे थे, आज वो वकील सुप्रीम कोर्ट और आपके बीच मीडिएटर बनके आपके साथ जो है सुलह करने का मामला लेके आ रहे हैं, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं इसको इस तरीके से देखना चाहूँगा, कम शब्दों में, कि लोहे को लोहे से कटवाना चाहते हैं। आ गई बात। अगर आप लोहे को इस्तेमाल लोहे को काटने के लिए करेंगे तो उनकी थिंकिंग में और हमारी थिंकिंग में कोई फर्क नहीं है, और उनकी ही थिंकिंग क्यों होगी, वो पूरे हिंदुस्तान के काफी लोगों की थिंकिंग है। तो आप लोहे को लोहे से कटवाना चाहते हैं, ये नहीं होगा। कटेगा लोहे से लोहा, लोहे से लोहा कटता जरूर है, लेकिन किसी बात पे, मुद्दे पे। आपने उनसे क्यों नहीं कहा कि आप हमारे पक्ष में जिस तरह से हमारे साथ आप सुलह का मसला रख रहे हैं, आपने ये बात सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ क्यों नहीं रखी, आपने क्यों नहीं? देखिए वो एक जो है बीच के मेडिएशन है, वार्ताकार है, जो हमारी बात को और सुप्रीम कोर्ट की बात को हम तक और हमारी बात को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएंगे। बाकी सारा मामला जो भी जाएगा लीगल जाएगा। आपके क्या लग रहा है कि सुचिंतक है या नहीं शाहीन बाग का, आपका नहीं शाहीन बाग? शाहीन बाग के देखिए, जब वो सीए और एनआरसी के अगेंस्ट हैं, तो वो पूरे हिंदुस्तान में जितने भी शाहीन बाग बने हुए हैं सबके साथ हैं। ठीक है, ठीक है।